क्लास लगा दिया जाए अच्छे से। आवाज नहीं आ रहा है दोस्त। टॉपिक चालू होने वाला है वह होने वाला है दोस्तों हेल्पिंग वर्क। कहाँ से चालू होने वाला है? कहाँ से? तो आज एक्साइटेड पन में हो जाइएगा क्योंकि नया टॉपिक जय जोश के साथ यहाँ से सब कुछ जो आपको चाहिए मटेरियल जो आप पढ़ने के लिए आते हो अब यहीं से चालू हो गया है। जो आपकी इच्छा रहता है कामना रहता है कि सर टेंस पढ़ाइए, सर नरेशन पढ़ाइए, सर वॉयस पढ़ाइए, सर किताब पढ़ाइए, सर सब पढ़ाने के लिए अब राजी हो गए हैं। आपका सुंदर सा टॉपिक आ गया है, लग गया है, ठीक है ना? तो आइए दोस्तों शुरुआत किया जाए अपना। कौन सा टॉपिक दोस्तों? हेल्पिंग वर्क। दोस्तों हेल्पिंग वर्क शुरू से करने से पहले कहते हैं दोस्तों जो सीखना छोड़ देता है, जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा ही रहता है, फिर चाहे वह 15 का हो चाहे वह 70 का हो। पर जो इंसान सीखता चला जाता है वह सदैव का सदैव जवान रहता है, फिर चाहे वो 15 का हो चाहे वह 70 का हो दोस्तों सीखना नहीं छोड़ने के साथ दोस्तों आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अगर हम आपसे पूछे वर्ब होता क्या है तो कहेंगे कि सर ये फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों जो ये पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग वर्ब में, वर्ब का फॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं? ये बताइए टाइप्स ऑफ वर्ब होता है। आइए अगर टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो अपने पास जो टाइप्स ऑफ वर्ब होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? फाइनाइट और दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब और दोस्तों कौन सा वर्ब होता है? और दोस्तों जो होता है वह हेल्पिंग कौन सा वर्ब होता है? नए जोश के साथ बोलिए कौन सा वर्ब? अभी नए जोश में नहीं आया दोस्तों, बदलना है तो अपने आप को बदलो, जमाने को मत बदलो, जमाना अपने आप बदल जाएगा दोस्त। बदलना है तो अपने आप को बदलो, जमाने को नहीं, जमाना अपने आप बदल जाएगा। इसलिए नए जोश के साथ बोलो कौन सा टॉपिक लगाए? अभी कुछ फील आया है, बताओ नए जोश के साथ कौन सा टॉपिक लगाए? शाबाश। तो वर्ब में क्या दोस्तों हम अच्छे तरीके से ये फाइनाइट वर्ब जो होता है इसको सीख पाए कि नहीं? थोड़ा बहुत का मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया में थोड़े थोड़े में सब कुछ होता है, इसलिए हम थोड़ा बोलते हैं दोस्तों। क्योंकि साइकिल का ब्रेक भी कितना बजता है? पूरा छुआ जाएगा तो साइकिल घूमेगा, तो हमें थोड़ा ही आ जाएगा ना तो खुदा नचाएंगे हम, और थोड़ा ही नहीं आता है जिसके कारण हम फंसे रहते हैं। ज्यादा फासला रहता है, कितना फासला रहता है? तो फासला बहुत कम करना है इसके बीच, हम नजदीक ला रहे हैं। तो आइए दोस्तों फाइनाइट वर्ब का बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है? ये मेन वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है यार? अब आपको पता है जो फाइनाइट वर्ब होता है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और अगला होता है दोस्तों लिंकिंग। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, और दोस्तों लिंकिंग वर्ब की बात करते इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। अगर दोस्त हम बात करें अपने यहाँ तक तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होंगे? बस टाइपिंग बोलो जल्दी से। 3 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? जीरेंड होता है, इन्फिनिटी होता है, और बस। आगे अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो आज हम लोगों का जो मकसद है, सिद्धांत है, वह है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब बोले तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, और अगला अगर बात करें दोस्तों मोडल हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसके नए सिरे से चालू होना चाहिए, नए अंदाज में होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों आइए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आइए नोट डाउन करिए, आगे चलें जल्दी से।
इरेज किया जाए ना दोस्त। कहाँ बड़ा शांत दिखाई दे रहे हो, उदास हो क्या? दिख तो रहे हो उदास, सुबह में आते हो इसलिए। मम्मी मार कर भेजती है, पापा मार कर भेजते हैं कि जाओ पढ़ने। इतना बड़े बड़े हो गए हो, पापा मम्मी थोड़ी ना मार के भेजेंगे। आ? मारती नहीं है? प्रियांशु बोल रहा है मारती नहीं है। आइए दोस्त, लगाया जाए अगला टॉपिक, चले अगले पॉइंट पर। चलिए दोस्त आइए यहाँ पर। अगर दोस्त हम बात करें अपना जो मकसद चल रहा है वहां पे, अब क्या चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चल रहा है दोस्त? क्या? हेल्पिंग वर्ब। आइए दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसे लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं इसे? तो कहीं टेंशन मत ले लेना दोस्तों, इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। या तो दोस्तों हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। बोलिए भाई, नहीं समझ में आया? नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब बोले या तो नाम में क्या रखा, चट्ठ नाम हो जाए, है तो वही ना व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति होता तो बात चलता ठीक है, याद करना पड़ेगा। लेकिन बात जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोले या तो क्या बोले दोस्तों? ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए दोस्तों, अगर हम बात करें जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये किसके लिए आता है, तो आपको पता है कि सर ये आता है फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब के लिए। किसके लिए आता है यार? किसकी सहायता यह करता है? मेन वर्ब का सहायता करता है। तो मेन वर्ब का सहायता करता है तो कैसे करेगा, आइए यहाँ पर एक एक चर्चा करते हैं। तो दोस्त अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग कौन सा वर्ब? तो एक होता है दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा जो दोस्तों होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब। मोडल कौन सा हेल्पिंग वर्ब? मोडल हेल्पिंग वर्ब। तो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो दोस्त अगर हम बात करें आपसे, जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ये क्या होता है दोस्तों? टोटली का टोटली ये टाइम बताता है। क्या बताता है दोस्तों? अगर हम आपसे पूछे दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप जवाब देंगे कि सर ये बताता है टाइम। क्या बताता है? तो अगर हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, ये टाइम बताता है। क्या बताता है? और टाइम बताने वाले जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो कैटेगरी आते हैं वो होता है बी। क्या होता है दोस्तों? बी होता है। और क्या होता है दोस्तों? हैव होता है। क्या होता है? हैव। और दोस्तों जो बात करें, और होता है डू। क्या होता है दोस्तों? तो ये अपने पास तीन ही है, इन्हीं का पूरा फॉर्म अगर हम अप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, अगर ये टाइम बताता है तो ये कहलाएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। धीरे से समझना है, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर बी का पूरा फॉर्म देखा जाए दोस्तों, तो बी होता है वी वन होता है ना दोस्त। अगर वी टू की बात करें तो कौन होता है? वाज और वर। वाज और वर। और दोस्तों ये वी टू हो गया। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है। तो वी थ्री में कौन कौन आएगा दोस्तों? बीन आएगा अपने पास। क्या आएगा? और दोस्तों अगर हम बात करें वी फोर की, तो कौन आएगा? बींग आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बींग आएगा। और दोस्तों वी फाइव की बात करें, वी फाइव या यस या ई एस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो क्या होता है दोस्तों? इज एम और आर। इज और एम और दोस्तों आर। अगला बात करें दोस्तों तो अपने पास हैव आता है। क्या आता है दोस्तों? हैव है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड। क्या है दोस्तों? थर्ड फॉर्म बोलो हैड। और बोलो दोस्तों हैविंग क्या हो जाएगा? हैविंग हो जाएगा। और दोस्तों हैज हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना?
सॉरी फिफ्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला देखा तो डू है अपने पास, डू का क्या हो जाएगा दोस्तों? डीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर फोर्थ फॉर्म बोले तो नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब, ये फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ध्यान देना डन ही तक होता है, समझ में आ रहा है ना? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं हुआ, समझाएंगे अभी, पेशेंस रखना, एक एक समझाएंगे, वर्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम टेंस पढ़ा रहे हैं भैया। क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐरा गौरा नहीं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसका फिफ्थ फॉर्म बोलो दोस्तों, डज होता है। देखो यस या यस फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो दोस्तों ये अपने पास जो दिया गया है यह विवर्त, यह कहाँ का बात बताएगा? ये प्रेजेंट की बात बताएगा दोस्तों। और यह कहाँ की बात बताएगा? ये प्रेजेंट की बात बताते हैं, ये दोनों का दोनों प्रेजेंट की बात बताते हैं, ये पास्ट की बात बताता है और यह परफेक्ट की बात बताता है। परफेक्ट किसी का भी हो सकता है। और यह कहाँ बताता है दोस्तों? कंटिन्यूअस की बात बताता है। तो दोस्त हम लोगों का जो मकसद चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वह चल रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत दोस्तों ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये टाइम बताता है। दोस्तों टाइम बताने वाले यही शब्द अपने पास है, जब यही शब्द को अच्छे से देखा जाए टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सर ये 14 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 14 होते हैं। काउंट कर लो, देखो 5 10 और 10 और 4 14, क्योंकि इसका नहीं बना एक होना, 5 और 1 2 3 4 5, 5 के 5, 5 दूना 10, 10 और 4 14, तो 14 तो क्या बन गया, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और यही हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं कब बता करेंगे भाई साहब? जब ये बताएगा टाइम, तब जब ये टाइम बताएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, और जब ये टाइम बताएगा इसे हम लोग बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं टेंस। टेंस क्या होता है, क्योंकि डिफिनेशन हम यही से पूछेंगे, अब ध्यान रखना, क्योंकि कहीं और से टेंस का डिफिनेशन नहीं लिखना है, जो भी बात लिखना, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं टोटली डिफिनेशन यही से चलेगा, जो फंक्शन बेस्ड चला रहे हैं, कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, टेंस का डिफिनेशन आज तक नहीं जानता, टेंस होता क्या है, कैसे लिखे दिखाओ मुझे, दिखाओ जल्दी से, क्या होता है टेंस का डिफिनेशन पता नहीं चलता है, लिख कर दिखाइए भाई साहब, स्टॉप लगाइए थोड़ा सा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? डिफिनेशन जो लिखेंगे उसी मुद्दे पर काम करना है। पता लिखा डिफिनेशन, कुछ और लिखा और काम कुछ और करवा रहे हैं, तो क्या ये भी सही है कि गलत है? अरे गलत है यार, परिभाषा जो लिखा उसी के तो बारे में लिखा, क्या उसी पर काम करता है कि नहीं करता है? तो अगर कर रहा है तब तो अपना सही जीविका चल रहा है, हमारी पटरी सही चल रही है। पटरी गड़बड़ हो जाएगी, ट्रेन दूसरे साइड में चली जाएगी, फिर दूसरे साइड में जाएगी तो पता चला गुम भी हो सकती है। आइए गुम नहीं होना है आपको, हम सही ट्रैक पे लेके चलेंगे तो अपने आप सही पटरी पर आ जाएंगे आप लोग। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? टाइम। टाइम बताएगा तो क्या कहलाएगा? टाइम बताएगा तो क्या कहलाएगा? और टेंस कितने, ये कौन अपने पास है यहाँ पे? देखो बी, वाज, वर, बीन, बींग, इज, एम, आर, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जब ये टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब यहाँ सपना चालू होने वाला है, टेंस कहाँ से टेंस आया ये तो नहीं पूछेंगे आप। बोलो दोस्त, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, यही हेल्पिंग वर्ब जब टाइम बताना शुरू कर देता है तो ये कहलाता है टेंस। यही हेल्पिंग वर्ब टाइम बताना शुरू कर देता है तो ये कहलाता है टेंस। तो यही कहलाता है दोस्तों अपना टेंस। आते हैं मोडल हेल्पिंग वर्ब, किसकी बात करते हैं दोस्तों? मोडल हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों, ये टाइम को एक्सप्रेस नहीं करता है। किसको एक्सप्रेस करता है दोस्तों? ध्यान देखना, ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है, तो है क्या? आइए समझते हैं दोस्तों। मोडल हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, कोई एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब जो एक्शन बाकी है उसको इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है भाई साहब? मतलब जो एक्शन की बात कर रहे हैं दोस्त, सीधा सीधा हम उसको किए नहीं है, वह एक्शन अभी क्या है दोस्तों? बाकी है। मैं आपको मार डालूंगा, मैं आपको मार सकता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको उठा सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? बताइए,
मुझे खेलना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें दारू नहीं पीना चाहिए। क्या भाई साहब, रोड पर गाड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, बाएं हमेशा देखकर चलना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? तुम वहां जा सकते हो, तुम यहां आ सकते हो, इसका क्या मतलब है? हुआ है अभी नहीं हुआ है, ये हमारे मूड को बता रहा है। तुम वहां जा सकते हो लेकिन अभी गया तो नहीं है ना। तुम खेल सकते हो, मैं जीत सकता था अगर मैं वहां होता तब, लेकिन तुम वहां है ये नहीं हो तो जीतते कैसे? जीत सकते थे जब होते तब ना। हुआ कि नहीं हुआ काम, वो तो हमारी मूड को बता रहा है, हमारा इंटेंशन। तो दोस्तों टेंस अलग है, रिएक्शन को बताता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है बस। और टाइम बताने वाले अभी समझा रहे हैं दोस्तों, टेंस और टाइम अभी दो प्रकार के टाइम बताने वाले होते हैं। एक एडवर्ब भी टाइम बताता है और एक टेंस भी टाइम बताता है। अब यहाँ पे आएगा लड़कों का दिक्कत, क्या आएगा? एडवर्ब भी समय बताता है, टेंस भी समय बताता है। सर प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई अब। तो हम जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको एकदम विस्तार से लेके चलेंगे कि अगर ऐसा और कोई अगर समय बताने वाला होगा उसको भी इसमें भिड़ाएंगे, ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, पहले दूर हो जाए। नहीं एडवर्ब और टेंस में अंतर नहीं निकल पाएगा तो पढ़ाने का क्या फायदा हो पाएगा भाई साहब? दोस्तों चले आगे। तो दोस्तों अगर मोडल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या बताता है? यह इंटेंशन बताता है। क्या बताता है दोस्तों? इंटेंशन बताता, इंटेंशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? अपना रवैया विचार बताता है, हमारा सोच क्या चल रहा है उसे कहते हैं इंटेंशन। हमारा लगाव क्या है? अभी लगाव हमारा था कि जाने वाले थे, समझ में आ रहा है? तो आइए इंटेंशन बोले या मूड बोले दोस्तों, क्या बोले? मूड। मूड ना दोस्तों अभी हुआ नहीं, अभी क्या है बाकी है। हम अभी तो मूड बना है, क्या है? मूड बना है लेकिन हुआ नहीं हुआ काम, बनाए है कि जाएंगे। क्या क्या हमारा विचार है कि जा भी हाँ। क्या भाई साहब हमारा विचार है? खाना बढ़िया बने आज। क्या भाई साहब विचार है? बन गया है, अभी विचार बन रहा है ना। विचार है कि घर ऐसा बनवाया जाए, विचार है कि नलका यहाँ गड़वाया जाए, विचार है कि ये रोड बढ़िया बनवाया जाए। क्या भाई साहब हो गया है कि बाकी है? अभी बाकी है, समझिए दिमाग लगा के तभी बोल पाओगे, क्योंकि घटनाएं जो होते हैं ना उसके अनुसार हमें बोलना पड़ता है। अगर हम टेंस सोचेंगे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। हमारे अंदर सबसे बड़ा खासियत यही है, जो हम हिंदी बोलते हैं तुरंत कन्वर्ट करते हैं कौन सा टेंस है ये। जब तक कन्वर्टिंग करने का प्रयास करेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेजी तभी सीख पाएंगे जब ये मन में क्या होगा, विजुअलाइजेशन। जो आप बोलना चाहते हैं वो मन में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। विजुअलाइजेशन तभी होगा जब आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ाई करोगे तब। अब हिंदी में पढ़ोगे और बोल रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी में बोल सकते हो, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। क्या भाई साहब जितना भी आज तक रूल लिखा है टेंस में, जितना भी लिखे होंगे सब किस में लिखे होंगे? हिंदी में लिखे होंगे ना। तो आइए देखिए हम क्या लिखवाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। आइए सबका परिभाषा, पहचान, गुण सब लिखवाएंगे। तो देखिए कैसे लिखवाते हैं, आइए एक एक तरफ से समझते हैं। तो इंटेंशन बताएगा, मूड बताएगा और क्या बताएगा? एटीट्यूड की बात करें तो क्या समझ में आ रहा है? एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, उसका किस तरह का देखने का रवैया है। क्या समझ में आ रहा है? उसका रवैया, चलने का हाव भाव किस प्रकार का है, जो बोल रहा है उसका रवैया ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? हुआ उसका एटीट्यूड कहलाता है। एटीट्यूड अभी हुआ नहीं है, अभी क्या है? अभी हुआ नहीं है, अभी क्या है? बाकी है। या तो दोस्तों ओपिनियन की बात करें, क्या बात करें? ओपिनियन। ओपिनियन की बात करें दोस्तों, ये सभी और सभी जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है जल्दी बताइए? मोडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मतलब मोडल हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या क्या बताता है? या तो ओपिनियन होगा, या तो इंटेंशन होगा, या तो मूड होगा, या तो एटीट्यूड। सबका मतलब सेम सेम है, ठीक है ना? सबका मतलब क्या है? सेम सेम है। तो मतलब मूड, अभी ये काम हुआ नहीं, अभी काम क्या है? बाकी है। अभी काम क्या है दोस्तों? तो बाकी है तो एक मोडल के जरिए से हम बोल रहे थे, और बाकी है तो नॉन फाइनल इंफिनिटिव वर्ब भी था। तो हम किस चीज को बोल रहे हैं? हम एक्शन को जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर दूसरा जो एक्शन कर रहे हैं वो बाकी है, तब के लिए सो दैट कर रहे हैं। लेकिन हम जो एक्शन अभी कर रहे हैं वही बाकी है, वही एक्शन बाकी है। तो उसको दिखाने के लिए अपने पास कौन सा वर्ब है? मोडल। मैं जा सकता हूँ, बताइए। मैं खेलने जा सकता हूँ, I can go to play। मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब? खेलने जा सकता हूँ। सबसे पहला भाई खेलने, अभी पहले बताइए, यहाँ से जाएगा तब ना खेलेगा?
तो आई कैन गो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ जा सकता है, अभी गया नहीं है, यहाँ भी बाकी। और टू प्ले यहाँ भी बाकी है। सोचिए यहाँ पर इन्फिनिटिव बन रहा है, इन्फिनिटिव तो इसलिए पढ़ाएंगे ताकि थोड़ा बहुत नजर में काम करे इतने, ठीक है ना? तो उतना हमारे लिए फायदा था, उसको भी स्किप किए हैं, उसको स्किप इसलिए किए हैं ताकि ये वाला वर्ड समझाने के बाद तब इसके ऊपर आते हैं, फिर देखना आपका रोटेशन एकदम सही पर आ जाएगा। जो बातें नहीं समझ में आ रहा था वो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो बताइए मोडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्या क्या बताता है? यह ओपिनियन बताता है, इंटेंशन बताता है, मूड बताता है। अच्छा ये होते कौन कौन से हैं दोस्तों, अगर अपने पास देखा जाए तो कैन होता है, कूड होता है, मे होता है, माइट होता है, माइट होता है, सैल होता है, सुड होता है, विल होता है, उड होता है, यूज्ड होता है, मस्ट होता है, मस्ट होता है, नीड होता है, नीड होता है, डेयर होता है, आर टू होता है, और कौन छूटा है? तेरे हो गए, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दोबारा तेरह, यही अपने पास है दोस्तों, यही अपने पास टोटल क्या है? मोडल हेल्पिंग वर्ब। इनकी तादाद अगर पूछा जाए आपसे, बताओ कितनी होती है, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? मोडल हेल्पिंग वर्ब की जो तादाद होती है टोटल, और टोटल कितना होता है? 13। कितना होता है दोस्त? 13। तो कैन होता है, कूड होता है, मे होता है, माइट होता है, सैल होता है, सुड होता है, विल होता है, उड होता है, यूज टू होता है, मस्ट होता है, नीड होता है, डेयर होता है, आज टू होता है, ठीक है ना? अगर एक भी इसमें नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम ये पहली बार ही चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कि ऐसा ना हो कि आपको सब समझ में आ जाए पहली बार में, सब पहले बार में आ जाएगा तो दूसरी बार में कौन पढ़ेगा, ठीक है ना? आएगा दूसरी बार भी समझाएंगे, अभी दूसरी बार मतलब जब इसका रिवीजन होगा तो दूसरी बार हो जाता है, अगर तेहरा रहा तो तीसरी बार हो रहा है, चौराह रहा तब चौथी बार हो जाएगा। तो हम लोगों का जो टॉपिक होता है वैसे में तो हजार बार का नारा ही लगा है, कितनी बार का भाई साहब? बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार। पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। तो पढ़ोगे तभी सीखोगे, और सीखोगे तभी जीतोगे। जो पढ़ना छोड़ दिया हुआ जीतना छोड़ दिया, जो सीखना छोड़ दिया हुआ जीतना छोड़ दिया, जीत नहीं पाओगे दोस्त। आइए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक बात नोट करिए, फिर आइए लगाते हैं दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ डिफिनेशन की बात करें, अपने पास ये डिफिनेशन किस प्रकार से लिखा जा सकता है और क्या क्या लिखा जा सकता है, इसमें कौन कौन सी बात हो सकती है, जो डिफिनेशन लिखेंगे क्या हम लोगों का मुद्दा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें अपने हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या होता हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहला काम ये फॉर्म ऑफ वर्ब ही तो है ना, विच एक्सप्रेसेस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मोडल हेल्पिंग वर्ब, एंड मोडल हेल्पिंग वर्ब फॉर अ मेन वर्ब, फॉर अ मेन वर्ब। जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आएगा और मोडल हेल्पिंग वर्ब आएगा किसके लिए आएगा? क्या मैं ये तीर लगाया था ऐसे या नहीं लगाया था? पढ़ाते वक्त जब हेल्पिंग वर्ब टाइप से बताओ वर्ब का टाइप लगाया तो शुरुआत में आपको बायोडाटा ग्राफ सब खींचा था, कुछ ख्याल करिए, अभी भी तो खींच रहे हैं वहां पे। तो अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? हेल्पिंग वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मोडल हेल्पिंग वर्ब फॉर अ मेन वर्ब, मेन वर्ब किसके लिए आएगा भाई साहब? मेन वर्ब के लिए। हेल्प, यह तो वर्ब का फॉर्म है या है? क्या भाई साहब? हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वर्ब का फॉर्म है, किसको बताता है यार? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन मोडल हेल्पिंग वर्ब, और किसके लिए आता है भाई साहब? फॉर अ मेन वर्ब, फॉर अ मेन वर्ब। तो ये हो गया दोस्तों आपका डिफिनेशन, जो हम लोग बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, बताइए हेल्पिंग वर्ब पता चला कि अभियो नहीं पता चला? पता चल गया, ये डिफिनेशन रट्टा मारना है ना, मारना है नहीं मारना है, लिख लेंगे। अगर हम आपसे पूछे टेंस बताइए दोस्तों क्या होता है, तो आप टेंस की जानकारी देखिए, आपको तो पता हो ही गया है, चलिए टेंस यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम टेंस की बात करें दोस्तों, तो टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम। क्या बताता है दोस्तों? विच एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ अ मेन वर्ब। मेन वर्ब ये समय तो बताता है, लेकिन किसका बताता है भाई साहब? मेन वर्ब का बताता है, ये समय बताता है। कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको अगर दोबारा लिख रहा है तो इट का सहारा लेना पड़ता है, समझ में आ रहा है? या तो इसी के माध्यम से चालू करें, क्योंकि दोबारा लिखने में मजा नहीं आता। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी देखने में भद्दा लग रहा है, बद्दा लग रहा है ना, इसलिए इट का यूज इसीलिए किया जाता है कि वह दोबारा, अगर कोई निर्जीव है, अगर कोई अपना वर्ड है तो दोबारा अगर एक्सप्रेस करते हो तो हम इट से ही अक्सर बोलते हैं, है ना भाई साहब? तो क्या बोले? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ अ मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब का क्या बताएगा भाई साहब? आपको बस इतना पता होना चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ब आता है किसके लिए आता है? मेन वर्ब के लिए। तो अंत में हमने क्या लगा दिया बताइए? मेन वर्ब के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये हो गया टेंस का डिफिनेशन। टेंस किससे कहते हैं? आपको कंफ्यूजन है अभी तक? टेंस क्या होता है जवाब दीजिए। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है ये वो क्या है? फॉर्म ही तो है ना, वर्ब का रूप है। देखो अभी लिखे थे कि नहीं, बी का सब फॉर्म में लिखे थे कि नहीं लिखे? ये सभी क्या है? फॉर्म ही तो है ना। टेंस कहीं अलग से कुछ है? नहीं है। और एक क्या बताता है आपको पता है सर? ये टाइम बताता है। कैसे पता चला आपको? कि सर अभी डायग्राम के माध्यम से समझाए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, टाइम को बताएगा तभी ये टेंस कहलाता है, तभी ये टेंस कहलाता है, इसका नाम इसीलिए रखा गया है, ठीक है ना दोस्त? अब किसका बताएगा? यह मेन वर्ब का। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ चले दोस्तों। अपने पास अगर पूछा जाए मोडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मोडल हेल्पिंग वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मोडल हेल्पिंग वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस ओपिनियन आर इंटेंशन आर मूड आर एटीट्यूड ऑफ अ मेन वर्ब। ऑफ अ मेन वर्ब, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? मेन वर्ब जो हो रहा है एक्शन, उसका बताएगा मूड, समझ में आ रहा है? जो हम एक्शन कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक है, यहाँ तक बात आपका नोट हो गया होगा, फिर हम आगे चले। बात नोट करते रहिए, जो नया होगा इसमें नोट करो भाई, जल्दी से। खाली मिटाइए मत, रगड़ के रख दिए है सब। क्या लगाने वाले हैं आप? टेंस। क्या लगाने वाले हैं? टेंस। क्या चलने वाला है? आ जाओ भाई, जिसका सब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, वह घड़ी आपके पास आ गई है। जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जहां राह होती है वहां उजाला होता है, रोशनी होती है, ठीक है? चलिए रोशनी भाई इधर देखिए, कहाँ देख रही हो? सामने, इधर देखो, इधर। चले आगे, शाबाश। तो दोस्त अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है
टेंस क्या है? टेंस 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 आ गया टेंस। आपसे पूछा जाए दोस्त टेंस क्या होता है तो जवाब देंगे दोस्त ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। कोई पूछेगा कि टेंस बताओ क्या होता है, क्या बताता है ये वर्ब? टाइम को बताता है। टाइम को बताएगा तो बोलो नहीं समझ में आया। अगर टाइम नहीं बताएगा तो टेंस टेंस टेंस। तो दोस्त यहाँ टाइम बताने वाले थोड़ा सा जो अपने पास डाउट है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ ऑफ टाइम। यहाँ भी ये समय बताता है और दोस्तों यहाँ बात करें टेंस भी क्या बताता है? समय बताता है। बताते तो दोनों समय है ना, बताते तो दोनों समय है, तो ये टेंस क्यों नहीं हुआ और ये क्या हो गया? टेंस हो गया। तो दोस्तों ये वर्ब नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बोले टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो का मतलब आज। क्या भाई समय नहीं बता रहे? क्या नहीं बता रहे? और कब की बात? आज की बात। अगर हम बोल रहे हैं यस्टरडे, वाई आर टी ई आर डी ए वाई, यस्टरडे बोल दिया। क्या ये टाइम नहीं बता रहा है? बता रहा भाई साहब। अगर हम बोल रहे हैं टुमारो, यस्टरडे, टूडे, क्या लिख दिया भाई साहब? टूडे लिख दिया। तो क्या बता रही है? ये टाइम नहीं बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा है। तो अगर ये टाइम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, लेकिन ये होगा कोई वर्ड। क्या होगा? ये वर्ड होगा, और जबकि ये वर्ब नहीं है। ये क्या वर्ब दिखाई दे रहा है? जबकि हमने आपको क्या बताया टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो ये वर्ब होगा, ये वर्ब का रूप होगा, तभी हम बोलेंगे ये क्या है? टेंस है। अगर ये वर्ब का रूप नहीं होगा तो हम ये इसे टेंस नहीं बोलेंगे। तो टाइम तो बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब भी टाइम बताता है और टेंस भी टाइम बताता है। आपको फंसाने के लिए कई रास्ते ध्यान रखना। अगर हमने टेंस ही पढ़ा के चालू कर दिया जो टॉपिक लगा है ना, तो बार बार फंसोगे। हम वो चीज नहीं देना चाह रहे हैं। इधर भी पढ़ लिया और आगे भी जब पढ़ेंगे कंफ्यूजन बना रहे, तो वह चीज ना होने पाए आपके साथ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब भी समय बताता है और टेंस भी बताता है। तो यहाँ वी वन मिलेगा, वी टू मिलेगा, वी थ्री मिलेगा, वी फोर मिलेगा, वी फाइव मिलेगा और ये सब मिलेगा, तो हम इसे बोलेंगे दोस्तों ये टेंस है। बोली नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये वर्ब होगा जबकि ये वर्ब नहीं है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है जबकि ये फॉर्म ऑफ क्या है? इसलिए टेंस हो गया और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है ना? तो दोस्तों अगर हम यहाँ टेंस पूछे, बताइए टेंस क्या होता है? फिर से बोलो दोबारा। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ। फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस, विच एक्सप्रेसेस, विच एक्सप्रेसेस टाइम, विच एक्सप्रेसेस टाइम ऑफ मेन वर्ब। किसका बताता है टाइम? मेन वर्ब का समय, जो एक्शन हो रहा है कब हुआ है, जो एक्शन हो रहा है वो कब का बात कर रहा है। भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो बताओ शुरुआत में ही क्लास लगा हुआ है तो बताओ टेंस किसे कहते हैं? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम फॉर अ मेन वर्ब। क्या बताता है केवल टेंस? रियल की कैसा? रियल टाइम बताएगा। ध्यान देखना, टाइम रियल होता है, कच्चा नहीं होता है। समझ में आया? कैसा समय बताएगा? जो समय होता है दोस्तों ये रियल टाइम होगा। कैसा होगा? ऐसा नहीं डुप्लीकेट टाइम नहीं है, ये 100% टाइम ही बताता है। क्या बताता है? 100% रियल होता है। किस समय घटना कौन सी हुआ, कैसे हुआ है, सब बातें ये कौन बताता है? टेंस ही बताता है। टेंस के माध्यम से ही अंग्रेजी आप स्पीक करते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगा। टेंस चालू हो गया, बहुत ही आसान
आसान शब्दों में लेकर चलेंगे और इसे खूब बोलिए, देखिए कितना मजे के साथ आ जाता है। आप टेंस पढ़े होंगे कहीं और, कहीं दूसरे लेवल से पढ़ाया होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ नए अंदाज में, नए तरीके से, बिल्कुल सबसे महज कर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बात तो वही होना चाहिए, इंग्लिश लेवल से कैसे पढ़ा रहे, क्योंकि फंक्शन पढ़ा रहे, तो फंक्शन में क्या आना चाहिए, जैसे ये बात करता है उसी हिसाब से हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए नोट डाउन करिए, फिर आगे लगाएं ये टेंस वाला फंक्शन, आगे बढ़ाएं। सही आदमी नहीं दिखता है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये, जितने मोट है उतने खोट है। लौंग लता का सीरा पी पी के मस्त है एकदम से। हाँ? जलेबी का पीता है। टिकिया का गधा कहाँ होता है? देहिए। तुम्हारे घर बनता है क्या टिकिया का सीधा? तब मीठा वाला टिकिया खाया है? मीठा खाना तो गुड़ लेके खा लेना चाहिए तब। आगे चले भाई साहब। तो दोस्तों, अगर हम टेंस बोले, क्या बोले, सभी लोग जानते होंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। अब तीन है बोलना, अब यहाँ पे होते दो ही है दोस्त, एक होता है फ्यूचर और एक होता है पास्ट। प्रेजेंट होता ही नहीं है, प्रेजेंट होता नहीं है, लेकिन समसमय की घटना के अनुसार जो फ्यूचर है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रेजेंट में हो जा रहा है। जैसे हम अगर बोले, ये बताओ अभी हम जाने वाले हैं, अगर हम पढ़ाए अभी, देखो टेंस पढ़ाएंगे, क्या है फ्यूचर है कि अभी प्रेजेंट है, बताइए भाई साहब, फ्यूचर अभी पढ़ाया है कि बाकी है, अभी बाकी, साहब फ्यूचर की घटना है ना, तो फ्यूचर की घटना है तो फिर बताओ, अगर हम जो बातें बोल रहे हैं जो आने वाली है वो फ्यूचर है, और जो हम बोल दे रहे हैं वो सब कहां चला जा रहा है, जिस समय हम बोल रहे हैं वो क्षण, वह समय, वह पल, वो बताओ कब का है, प्रेजेंट का है, एकदम एक्यूरेट टाइम वो बता रहा है, लेकिन एक्यूरेट टाइम और घड़ी रुकी है, सेकंड तो चलती रहती है, तो प्रेजेंट किधर है, रुका नहीं, फ्यूचर से किसमें कन्वर्ट हो गया, पास्ट, फ्यूचर से पास्ट, फ्यूचर से पास्ट, फ्यूचर से पास्ट, तो प्रेजेंट किधर है, आप ही सोचिए, दिमाग लगाइए, जो आपके सामने घटना घटित होती है उसी को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। बोले नहीं समझ में आ रहा है, जो घटना आपके सामने पल पल में बीत रही है, जो घट रही है, जो आप देख रहे हैं, जो क्षण देख रहे हैं, वही सभी क्या है, आज की पूरी घटना क्या है, तो आज वाली जो घटनाएं होते हैं इसको प्रेजेंट भी माना जाता है, और पास्ट भी, और पास्ट नहीं होता है, प्रेजेंट ही होता है, क्या होता है, प्रेजेंट। तो आज की घटना, क्योंकि आज की घटना ये आजा ताजा ताजा है, तो दूर नहीं गया है, तो दूर नहीं गया, तो आज की घटनाओं के लेवल से बांटा गया है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और यही क्या होता है, दूर तक लेकर जाए, कोई काम जारी है अभी तक चल रहा है तो प्रेजेंट में ही तो चल रहा है ना अभी तक, और जारी रहेगी तब तो भाई दूसरा फ्यूचर में चला आएगा, अभी चल रही है, कब बंद हो जाए उसकी कोई ठिकाने नहीं। हम बोल रहे हैं मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से 2 साल से काम कर रहा हूँ तो मतलब जिस साल से चालू किए होंगे ये अभी भी, अभी हम कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जारी आपके सामने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं इस काम को, तो कौन सा टेंस होगा, कैसे होगा, सब यहाँ पे अभी विस्तार हम बताएंगे। वैसे आप क्या बोलेंगे, 3 प्रकार के बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप, तो 3 ही बोलना है आपको, होते 2 ही टेंस होते हैं दोस्तों, टेंस कितने प्रकार के हैं, 2, लेकिन आपको अब मानना पड़ेगा जो इसका असलियत में जब ओपन करेंगे तब अपने पास निकल कर आता है 3, जिसका नाम प्रेजेंट भी हो जाता है। तो आइए टेंस बताओ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट टेंस दूसरा दोस्तों, कौन सा दोस्तों, पास्ट टेंस कौन सा, जल्दी बोलो, पास्ट टेंस, अगला बोलो, फ्यूचर टेंस कौन सा, अरे कौन सा टेंस, कितने प्रकार के, कौन कौन से, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट बोल रहा है तो समसमय की घटना, जो सामने घटना घटित हो रहा है, ऐसे घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, पास्ट का मतलब होता है पास्ट की यादगार, भैया साहब आज की नहीं, वो कल हो जाए, परसों हो जाए, या रिमोट टाइम में लेके चला जाए, पुरानी घटनाओं को अगर यादगार करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, और ऐसी घटना जो भी होने वाली है, हुआ नहीं है, तो ऐसी घटनाओं को
क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं दोस्तों, जो अपने पास ये प्रेजेंट टेंस होता है, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम, इट एक्सप्रेसेस पास्ट टाइम, इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम। ये फ्यूचर की समय बताएगा, ये पास्ट का समय बताएगा, ये प्रेजेंट का समय बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो ये बात लिख लेंगे ना, कि ये छोटी मोटी बातें भी लिखवाना पड़ेगा यार, कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन, ऑफ एक्शन, ऑफ एन एक्शन लिख दीजिए, आर्टिकल लगा दीजिए, तो बताए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम, ऐसे लिख लीजिएगा, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का कौन सा समय बता रहा है भाई साहब? प्रेजेंट समय बता रहा है। और यह बताइए क्या बताएगा? इट एक्सप्रेसेस पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन, इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन। ये फ्यूचर का समय बताएगा, ये पास्ट का समय बताएगा, ये अभी अभी प्रेजेंट का बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगा। तो दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें, जो ये प्रत्येक टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये फ्यूचर टेंस कितने प्रकार, कैसे आया, सब पता है। ध्यान रखना, आपको डायरेक्टली कितने टाइप्स के होते हैं ये जानना है, कैसे आया हर रीजन बताएंगे इसकी वीडियो के अंत में, ठीक है ना। सब जब टेंस खत्म हो जाएगा, कहां से पास्ट इंडिफिनिट क्यों बोल दिया और दूसरा क्यों नाम नहीं रखा गया, समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यूअस क्यों बोला, कंटिन्यूअस देने का क्या कारण है, परफेक्ट क्यों बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, सब बताएंगे। लेकिन ये वीडियो के क्या होगा, अंत में जब टेंस खत्म कर देंगे तब वहां पे समझाएंगे। तो आइए दोस्त, अगर हम बोले कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब देंगे सर ये चार प्रकार के होते हैं। इनडिफिनिट होता है, क्या होता है, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इनडिफिनिट होता है। और क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस होता है, क्या होता है, कॉन्टी एन यू ओ यू एस, कॉन्टिन्यूस होता है। और क्या होता है, परफेक्ट होता है। एक रूट मैप बना रहे हैं अभी, क्या बना रहे हैं आपके लिए, परफेक्ट होता है। और क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटी एन यू ओ यू एस, सब समझाएंगे दोस्तों, बस दिमाग लगा के चलना है। जब पढ़ाते वक्त ही समझाएंगे, ठीक है ना, जब हम टेंस पढ़ाएंगे ना उसी में इंक्लूड कर देंगे ये कैसे आता है और क्या होता है, सब चीजें बताएंगे, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम आप बोले कि ये प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जवाब क्या देंगे दोस्त, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों पास्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, कौन कौन से, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे यार, रूपरेखा ऐसा बनाओ ताकि कुछ समझ में आए। अगर हम आपसे पूछे फ्यूचर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या जवाब देंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर। किसी भी घटना को जो समय दिखाया जा रहा है चार प्रकार से दिखाया जाता है, कितने प्रकार से, तो चारों प्रकार देखिए आपके सामने लगा हुआ, धीरे धीरे समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। कहां से आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे, फंक्शन बेस्ड ही चल रहा है, आप आराम से समझ में आएगा। कुछ इसके फंक्शन को क्या करिए, इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में उतारिए, तभी जाकर ये अंग्रेजी का आनंद ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आए, तो पुरानी बात है, यहाँ तक सबको पता होगा, आमतौर पे हर बच्चा जानता होगा, क्या भाई साहब, छोटा छोटा भी जानता आप लोग तो यार, पढ़ रहे हो हाई लेवल में, कुछ तो दिमाग है कि नहीं है, है कि नहीं है, दिमाग एक पैजामा है, दिमाग है ना, हिमांशु का पैजामा है। आगे चले, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
तो अपना जो हेडिंग लगेगा ना शुरुआत का दोस्तों, वो लगेगा प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस लगने वाला। प्रेजेंट टेंस क्या होता है समझ में आ गया है ना? तो लगने वाला है प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखना दो दो एक साथ मिलकर चलते हैं, दो दो, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब हम रिलेटिविटी पढ़ाई करेंगे तब। यह क्या होता है और यह क्या होता है, अगर हम इसको लिख दिया और इसमें क्यों गलत हो गया, इसमें लिख दिया तो इसमें क्यों गलत हो गया, समझ में आ रहे? हम लिखेंगे इसमें, जाएगा इसमें, तो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि दोनों का रिलेशन समझ में आए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या अंतर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, बात सही है? लेकर चले, समझाए अच्छे से, अंग्रेजी पढ़वा का दिन भर कल से।